आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के समदड़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर लगाए सिवाना विधानसभा में भेदभाव के आरोप। दोनों ही पार्टियां आम जनता को कर रही हैं गुमराह। समदड़ी राजस्थान में लोक धुन खुलने की शादी राजनीति सरगर्मियों पर देखने को मिल रही है। पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आम जनता के दुख दर्द को भूलकर राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्ताराम देवासी ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्हें बताया कि इस महामारी में किसी भी पार्टी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है, सत्ता पक्ष से हटकर आमजन को राहत पहुंचे, ऐसा कार्य करना है जिसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पार्टी के पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं और आम जनता को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में गरीब परिवारों और जरूरतमंदों की सूची बनाई गई है और गुप्त तरीके से उनको घरों तक राशन किट सहित आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए जिस तरह से सत्ता पक्ष या विपक्ष राजनीति कर रही है, उससे प्रतीत होता है कि मानव जाति के जीवन से बढ़कर राजनीति है उनके लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से सिवाना विधानसभा में पाली जिले से छोड़े जा रहे रासायनिक पानी किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका स्थायी निस्तारण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई, जिसे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि हर वर्ष पाली जिले से पानी छोड़ा जाता है और दोनों पार्टियों के नेता पहुंचकर किसानों के सामने अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, लेकिन स्थायी निस्तारण नहीं निकाल पाते, जिससे नदी के तट पर बसे कृषि कुओं का पानी भी खराब हो रहा है। वहीं किसानों की फसलें खराब के साथ पीने योग्य पानी भी बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैतान सिंह माली की रिपोर्ट। पार्टी तो पूरी तरफ से मतलब लॉकडाउन के साथ में खड़ी है। जितनी भी पार्टी मदद कर रही है, सहायता वो किट वो सब बाद रहे में हरमोहन बेनीवाल आधी रात्रों में त्याग है और मोरलाई काम पड़े मैं भी मराठा फिल्म में त्याग और भी कोई जरूरत पड़े कोई भी बंदो आधी रात्रों में फोन करे तो मोरलाई काम है मैं आधी रात्रों में त्याग सर। लॉकडाउन रही तो पालना तो करनी पड़े, वो तो केंद्र सरकार कटारो वहाँ पर हारू कर वे जगह भी कर रही है, वे वहाँ पर हारू जो कर रही है, अब आर्मी उन्नी करो या नहीं करो वहाँ अपने मनमर्जी की बात है, लेकिन अपन पूरी उसकी पालना कर रहे हैं। सर किसानों के नेता माने जाते हैं हनुमान जी बेनीवाल, आप यहाँ के सक्रिय नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष हो पार्टी के, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पाली जिले से रासायनिक पानी हर वर्ष गोणी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे लोगों की भूमि भी बंजर हो रही है, किसान खेती भी नहीं कर पाते और जो कृषि कुए हैं उनके पानी के अंदर भी रासायनिक पानी आ जाता है, पीने योग्य पानी भी नहीं जाता है, तो इस पर कोई ऐसा जितनी भी होगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मदद करेगी किसानों की। गंदा पानी जो फैक्ट्री वाले डाल रहे हैं उनके अगर खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े तो भी हम आधी रात को किसानों के साथ में तैयार है और हनुमान बेनीवाल भी आधी रात को उनके लिए तैयार है। जो भी कुछ मांग है किसानों की हम किसानों के साथ में हैं। टिंडी वाला प्रकरण हुआ था, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले मुद्दा उठाया था। भारतमाला वाला मुद्दा था तो सबसे पहला हनुमान बेनीवाल ने उठाया था। अब ये चल रहा है आपको ध्यान हो तो विष्णु धंधार वाला तो सबसे पहला वो मुद्दा उसने उठाया और हम भी यही चाहते हैं कि CBI जांच हो, CBI जांच होगा उस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक ही पल्लू है, मतलब शोर शोर मौसेरे भाई कोई किसी के नहीं है, वो आवाज़ भी नहीं उठाते। मतलब आज दिन देखिए मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन किसानों की आवाज़ उठाने में हरमोहन बेनीवाल जैसा व्यक्ति आज की तारीख में कोई नहीं है। 25 MP राजस्थान के जीत के लोकसभा में गिए, हरमोहन बेनीवाल के सिवाय किसानों का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। 24 तो और बैठी है ना, जो उसके मुँह में जड़े मीटर टिकड़ी दी थी। कांग्रेस सरकार तो दूसरे राज्यों में जा BJP के प्रियंका गांधी UP में बोल रही है कि भाई किसानों का बिजली को माफ़ करो, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं कर रही? राजस्थान भी हम भी चाहते हैं 3 महीनों का लाइट का बिल माफ़ हो, किसान बर्बाद हो गए, खाने पीने का दाना नहीं है, बैंक की किस्त भरने के लिए नहीं है, मैं तो बिजली का बिल नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हरमोहन बेनीवाल से भी निवेदन करूँगा और अशोक गहलोत से निवेदन करूँगा किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर दो, तो ही किसान जिंदा रह सके, नहीं तो जिंदा नहीं रह सके।
तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए नेट 24/7 लाइव टीवी।